नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज लाइव। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप किसान आंदोलन को लेकर के कुछ इंटरनेशनल नाम, कुछ इंटरनेशनल शख्सियत, इनके बारे में सुन रहे होंगे, इनके बारे में देख रहे होंगे कि ये लोग किसान आंदोलन के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। ये नाम है जैसे क्लाइमेट एक्सपर्ट या एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन की रहने वाली है। अमेरिका की एक पॉप स्टार है रिहाना, शायद इनका नाम 99.9% हिंदुस्तानियों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गई। इन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा एक पॉर्न स्टार हैं मियां खलीफा, ये भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी हो गई। यानी ऐसे लोग जिनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं, जो ये नहीं जानते कि MSP क्या है, जो ये नहीं जानते कि रवि और खरीफ की फसलें क्या होती हैं, अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी फसलें या कितने फल पैदा होते हैं, तो शायद ये उनके बारे में कुछ ना बता पाएं। लेकिन ये किसान आंदोलन के समर्थन में आकर के ट्वीट कर रहे हैं, और जैसे ही ये ट्वीट सामने आए, इसके बाद जो हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा गैंग है, हिंदुस्तान में जो वामपंथी हैं, इनके जैसे पर लग गए और इन्होंने एक एजेंडा शुरू कर दिया कि अब ग्लोबल मंच पर किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। यानी भारत की बदनामी शुरू हो गई है और किसान आंदोलन जल्द से जल्द, ये जो किसान कानून है, किसान आंदोलन में बैठे लोगों की सुनी जाए और ये जो कानून जो बनाया गया है कृषि को लेकर के, इनको निरस्त किया जाए, इनको वापस लिया जाए। ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन प्रोपेगेंडा चलाने वाली जो फोर्स हैं, ये जो एंटी नेशनल ताकतें हैं, इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक चूक हो गई, और उस गलती ने इंटरनेशनल लेवल पर इनका पर्दाफाश कर दिया। वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर आप अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आप नकल कर रहे हैं। जिन लोगों को, जिन इंटरनेशनल शख्सियतों को इन लोगों ने सामने रखा, जिनसे ट्वीट कराए, अब ये बात सामने आ गई है कि ये बाज़ाब्ता एक सोची समझी साजिश थी, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, भारत के मान सम्मान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मोदी सरकार को घेरने की साजिशें रची जा रही हैं, और इसके लिए बाज़ाब्ता मोहरे बनाए जा रहे हैं कुछ इंटरनेशनल चेहरे, कुछ इंटरनेशनल नाम। ये मैं किस बिहाफ पर कह रहा हूँ, ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, मैं आपको एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों से गलती कहाँ हुई, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन की आड़ में, मोदी सरकार के विरोध में, हिंदुस्तान के मान मर्यादा सम्मान, तिरंगे के अपमान, इन सब की साजिश रच रहे हैं। सत्ता के लालच में ये लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोई भी कोशिश कर लेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। 2 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग, जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने CNN की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया। CNN की रिपोर्ट ये थी कि जहां जहां ये आंदोलन हो रहे हैं टीकरी और सिंघू, वहां पर इंटरनेट की कुछ जो सेवाएं हैं इंटरनेट की, वो बंद कर दी गई। तो उन्होंने उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक लाइन लिखी, एक ट्वीट किया कि व्हाई द पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। इसके बाद भूचाल आ गया, इसके बाद मियां खलीफा आ गई पॉर्न स्टार, इसके बाद पॉप स्टार रिहाना आ गई, और फिर हिंदुस्तान में ये प्रोपेगेंडा गैंग और वामपंथी, इन सब ने मिलकर के एक तरीके से आतंक मचाना शुरू कर दिया कि साहब अब तो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है हिंदुस्तान की और मोदी साहब को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। 3 फरवरी को
ग्रेटा थनबर्ग ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मैं किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी हूं। और वहां पर उन्होंने एक लिंक दिया, वो लिंक एक टूल किट का था। बस यहीं उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो टूल किट उसी दिन यानी 3 फरवरी को ही वहां से हटा ली गई और 4 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने एक और ट्वीट किया और उसके साथ जो टूल किट दी गई वो अपडेटेड टूल किट थी। लेकिन 3 फरवरी को जो टूल किट हटाई गई, उस टूल किट में क्या था, तब तक कई लोगों ने उसको डाउनलोड किया, उसको पढ़ा, और इन लोगों का मकसद जो था, इन लोगों की जो साजिश थी वो सबके सामने आ गई। दोस्तों, टूल किट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी बातें लिखी जा सकती हैं, कोई आदेश दिया जा सकता है, कुछ लिंक डाउनलोड किए जा सकते हैं। अब उस टूल किट में था क्या जिससे यह साबित होता है कि ये ग्रेटा थनबर्ग, ये पॉप स्टार, ये पॉर्न स्टार, ये सब मोहरे हैं और इन लोगों को प्लांट किया जा रहा है बाजाबता। दोस्तों, जो टूल किट डिलीट किया गया उसमें क्या था उसको मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं और आप समझ जाएंगे कि वो चेहरे कौन है, वो नाम कौन है और वो क्या कराना चाह रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में। ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट डिलीट किया उसमें एक लिंक था जो एक प्रेजेंटेशन की तरफ डायरेक्ट करता है और इसका टाइटल लिखा हुआ था ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव। इसके कवर पेज पर आंदोलनकारी किसानों की फोटो थी जिसके ऊपर समझिएगा क्या लिखा हुआ, एक बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था कि क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, ये लोग ये कहना चाह रहे थे कि मानव इतिहास में अब तक जितने भी बड़े प्रदर्शन हुए हैं उन सब में अगर कोई सबसे बड़ा प्रदर्शन है तो वो है किसान आंदोलन, और क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इस तरीके से इन्होंने लोगों को इनवाइट किया। इसके बाद अगले पेज पर अर्जेंट एक्शंस नाम से एक लिस्ट दे रखी थी और दोस्तों इस लिस्ट में वो सिलसिलेवार जिक्र किया हुआ था कि 26 जनवरी को जो उत्पाद हुआ था वो कैसे किया जाए, ट्विटर पर क्या क्या ट्वीट किए जाएं, कौन से हैशटैग आगे बढ़ाए जाएं, और 26 जनवरी के बाद ये जो 4 और 5 फरवरी, ये 6 फरवरी का चक्का जाम, और इसके बाद 11 और 12 फरवरी यानी जनवरी से लेकर के फरवरी तक का पूरा एजेंडा उसमें शामिल था। इसमें लिखा हुआ था कि 4 और 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ट्विटर स्टॉर्म यानी ट्वीट्स का तूफान ला देना है, इतने ट्वीट करने हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही खबर बन के रह जाए। और ये 4 और 5 को क्यों किए जाएंगे, क्योंकि 6 तारीख को हिंदुस्तान में ये किसान आंदोलन के नाम पर चक्का जाम करने जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा, एक ईमेल आईडी भी दी जिस पर वीडियो या कुछ आपके पास पिक्स हैं उसको डाउनलोड करने का भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि अडानी अंबानी जैसे मोनोपोली वाले कारोबारियों से दूरी बनाइए। ये अडानी और अंबानी कहां से आ गए इसमें किसान आंदोलन में, वो कौन लोग हैं जिनकी सुबह मोदी अडानी और अंबानी से होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज में उनके सिर्फ एक ही नाम होता है अडानी और अंबानी। और वही लोग इसमें लिखवा रहे हैं कि अडानी अंबानी जैसे मोनोपोली वाले कारोबारियों से दूरी बनाइए। अगली लाइन सुनिए दोस्तों, 26 जनवरी से पहले हैशटैग आस्क इंडिया वाई, डिजिटल स्ट्राइक कर देनी है इस हैशटैग से। यानी प्रीप्लान था कि 26 जनवरी को पूरा उत्पाद मचेगा और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग आस्क इंडिया वाई ट्रेंड करना चाहिए। इसके अलावा इनकी प्लानिंग क्या थी कि 26 जनवरी को भारतीय दूतावासों, सरकारी भवनों, मीडिया हाउसेस, यहां तक कि अवानी और अडानी के ऑफिसेज, इनके पास भी फिजिकल एक्शन किया जाए। फिजिकल एक्शन का मतलब हम सब ने देखा है दोस्तों, 26 जनवरी को
किसान आंदोलन के नाम पर इन उत्पादी गैंग ने क्या किया था, वही प्लानिंग थी इनकी, वही साजिश थी। इसके अलावा 26 जनवरी को हाउ कैन यू हेल्प, आप कैसे मदद कर सकते हैं, यानी लोगों को इनवाइट किया गया कि आप इस आंदोलन से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे इसको बड़ा बना सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं। दे आर इनवाइटिंग पीपल, और उसमें लिखा कि 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई है, और इसमें जो रिसोर्स है वो है कैनेडा बेस्ड पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, PJF, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। दोस्तों इन्होंने एक लाइन और भी लिखी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि यहां सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये किसान आंदोलन के नाम पर इसको और बड़ा करेंगे और आगे लेकर के जाएंगे। अब यहां पर इन्होंने जो रिसोर्स का जिक्र किया है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ये कौन सी फाउंडेशन है, कहां बैठते हैं इसके कर्ता धर्ता, कौन लोग हैं, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, लाल किले पर उत्पाद मचेगा, कहां से ये लोग हैंडल करेंगे। ये जो संस्था है ये कनाडा की एक संस्था है, 2020 से इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम बना था 2020 में, और ट्विटर अकाउंट भी इन्होंने लास्ट ईयर ही तैयार किया है। और इसी फाउंडेशन ने आस्क इंडिया वाई ये वेबसाइट बना करके तैयार की, और किसान आंदोलन के नाम पर कनाडा से बैठ करके ये लोगों को मिसगाइड करने पर लगे हुए हैं, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो वो लोग हो गए जो कनाडा में बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कौन से लोग हैं जो इन कनाडा में बैठे हुए लोगों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जब कोई काम हम खुद नहीं करते तो हम उसे आउटसोर्स कर लेते हैं, बाहर से बैठ करके वो पूरा काम करवा लेना। इसी तरीके से ये सेवाएं ली जा रही हैं, हिंदुस्तान में उत्पाद मचाना, हिंदुस्तान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाना, भारत सरकार को बदनाम करना, सत्ता के लालच में यानी किसी भी हद तक निकल जाना। और इसी का ये मोहरा थे ये ग्रेटा थनबर्ग, ये रिहाना पॉप स्टार, ये मियां खलीफा पॉर्न स्टार। दोस्तों जिन लोगों को पहले कभी नहीं जाना उन लोगों के नाम पर आज भूचाल मचाया जा रहा है, लेकिन गलती हो गई इनसे, गलती हो गई, ये टूल किट सामने आ गई, गलती हो गई ग्रेटा थनबर्ग से कि वो टूल किट को डिलीट करना नहीं भूली, और बहुत लंबे समय तक वो टूल किट पड़ा रहा, और अब ये टूल किट इन पर भारी पड़ने वाला है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है कि ये टूल किट कहां से अपलोड की गई, किन लोगों ने अपलोड की, कौन से IP एड्रेसेस हैं इसमें शामिल, और ये जो टूल किट अपलोड हो गई उसके बाद किन किन IP एड्रेसेस से कहां कहां किन किन लोगों को साझा की गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस एक नोटिस भेज रही है गूगल को कि आप बताइए ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनी तौर पर दोस्तों बहुत सारे नाम, बहुत सारी कड़ियां, बहुत सारे चेहरे, ये सब बेनकाब होंगे, ये सब सामने आएंगे, और तब पता लगेगा कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली की सरहदों पर ये लोग जो जमा बैठे हुए हैं, असल में ये एक मोहरे हैं, ये यूज किए जा रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर। इनसे मोदी विरोध या भारत को बदनाम कराया जा रहा है, लेकिन इनकी सच्चाई, कहते हैं ना दोस्तों कि जहां सत्य है वहां भगवान भी उनका साथ देता है और पब्लिक भी उनका साथ देती है। इस गलती का होना, इस टूल किट का सामने आना इस बात का एक सबूत है। दिल्ली पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, और बहुत जल्द कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े लीड्स, ये सब सामने आएंगे, और किसान आंदोलन की आड़ में जो देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं ये भी बहुत जल्द एक्सपोज हो जाएंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या है, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप देशभक्त हैं, आप देश के बारे में सोचते हैं,
तो आपका यह भी फर्ज बनता है कि इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।